अभिषेक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, और जम्मू में ही नहीं श्रीनगर में भी एक रैली को संबोधित करेंगे। यानी विकास कार्य उसी गति से आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ भी होता रहे ये भी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है सरकार की उसको दिखाने की कोशिश है, और साथ ही जो चुनावी प्रक्रिया है वो कैसे आगे बढ़े ताकि नॉर्मलसी पूरी तरह से आए जम्मू कश्मीर में, उस प्रक्रिया पर भी तेजी से काम हो रहा है। बिल्कुल सुमेरा, देखिए ये तो जो सुरक्षा को लेकर के जो जायज़ा है, जो तैयारियां हैं, ये सब चीज़ें हैं। आपने जो कहा जो नई रणनीति बनाई है आतंकवादियों ने, उसको कैसे टैकल करना है, लेकिन साथ में इंगेजमेंट और पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करना, चूंकि डिलिमिटेशन जिस तरह से चल रहा है उसके ख़त्म होने के बाद ये इस बात की संभावना है कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगी, वो शुरू करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी बात ये है कि स्टेक होल्डर्स जो हैं, यहाँ स्टेक होल्डर्स का मतलब यहाँ के कारोबारी हैं, यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जो यहाँ की ये हम से डल पे खड़े हैं, देखिए यहाँ की जो शिकारा एसोसिएशन है, मोटरबोट एसोसिएशन है, जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं जिनका कारोबार चलता है, क्योंकि जिस तरह से नॉन लोकल्स को टारगेट किया जा रहा है उसका नुकसान तो उनको हो रहा है जिनका कारोबार यहाँ पर चलता है, तो इन सबके साथ में भी संवाद स्थापित किया जा रहा है, इनको एश्योर किया जा रहा है और उनके उनसे इनपुट भी मांगे जा रहे हैं, और उस सारे इनपुट के आधार पर नए सिरे से रणनीति तैयार की जा रही है। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी का, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ तमाम और मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ रजा फैसल मौजूद हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। फैसल आपसे जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार आतंकवाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बढ़ाने और उसको आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जाती है, अब ये नई रणनीति बनाई गई है किस तरह से टारगेटेड किलिंग की जाए, इस रणनीति में भी पाकिस्तान की तरफ से मदद मिल रही है बहुत यहाँ पर आतंकियों को। पाकिस्तान आखिरकार जब शांति की बात करता है तो फिर वो पूरी तरह से शांति क्यों नहीं चाहता है, वो क्यों चाहता है कि इस तरह से मारकाट हो जम्मू कश्मीर में? देखिए सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। पहली बात तो ये है कि सुमेरा आप एक सहाफ़ी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है कि पाकिस्तान इस सारी जो आतंकवाद है या आप जिसको कहती हैं उसके पीछे पाकिस्तान है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान बारहा इस चीज़ के ऊपर हर एक फोरम पर कह चुका है कि पाकिस्तान किसी भी मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान मॉरली कश्मीर के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और हमेशा फैसल साहब, फैसल साहब उनकी आजादी, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में, मेरा एक इंटरजेक्शन है वो बस सुन ले छोटा सा, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये मानता है कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो मिलिटेंसी है, वो आतंकवाद है? मैं ये नहीं मानता। आप मैंने बाकायदा ये कहा कि आप जिस चीज को आतंकवाद कहते हैं, मैं और मेरा मुल्क और मेरी कौम, सारी की सारी कौम जो कुछ कश्मीर में हो रहा है उसे जंगी आज़ादी कहते हैं, और मेरे ख्याल में आप उस पे कदगन नहीं लगा सकते, हम मॉरली उनकी जंगी आज़ादी के साथ। मैं इसीलिए आपसे मैंने पूछा, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा मॉरल हाई ग्राउंड लेता है कि वो कहता है हम किसी आतंकवाद को समर्थन नहीं करते, आप जो आतंकवाद है उसे आतंकवाद नहीं कहते, तो फिर आप कैसे ये बात जरूरी नहीं, और आप कौम को नहीं जोड़े, आप कौम को ना जोड़े इससे, आप पूरी कौम को इससे ना जोड़े, पाकिस्तान, पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जरूर ऐसा सोच सकता है, लेकिन आप कौम और मजहब को में ना घसीटें, मेरे ख्याल से वो गलत होगा और वो आप नहीं कर सकते। मैं साथ कौम ऐसा पाकिस्तान कह रहा हूं, मैं हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान कह रहा हूं, और मेरी बात पूरी अभी नहीं हुई, आपने बीच में कैच कर लिया काइंडली, देयर वर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स आई वांटेड टू टॉक अबाउट। पहली बात तो ये है कि आप ये चर्चा कर रही हैं कि आपके जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में, तो मेरी नज़र में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि उनको विश्वास पैदा करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि त्रिपुरा में 12 मस्जिदों को वेंडलाइज किया गया, वहाँ पे भी राजा फैसल हम जिस मुद्दे पर है उसी मुद्दे पर रहे, अगर आप नहीं देखिए वो उन्हें जहाँ विश्वास बहाली करनी होगी वो वहाँ विश्वास बहाल करेंगे, नहीं इंडिया मुद्दा नहीं है, जम्मू और कश्मीर मुद्दा है, बात करूंगा इंडिया मुद्दा नहीं है, जम्मू और कश्मीर मुद्दा है, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद मुद्दा है, वो आतंकवाद जो पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित होता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।